गुड बाय माय फ्रेंड्स, ये मेरा 27th पार्ट है और ये मेरा 13th वीडियो आई थिंक सो। ओके, ये वीडियो में क्या देखने वाले हैं? एच कब साइलेंट होगा? इफ़ एच कम्स आफ्टर, अगर W के बाद आएगा तो क्या होगा? साइलेंट। ध्यान से सुनो, एच अगर W के बाद आएगा तो साइलेंट है। नेक्स्ट, इफ एच कम्स फर्स्ट इन सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स में अगर एच पहले आता है, वर्ड्स में अगर पहले आएगा तो तभी भी क्या है? साइलेंट है। नेक्स्ट और भी देखो, तीन रूल्स है। और एच कम्स आफ्टर जी सी जी आर आल्सो, ये सब लेटर में आएगा तभी भी साइलेंट है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एच डब्ल्यू के पहले आए इसके लिए व्हेन, तो व्हेन वे इन व्हेन, बराबर। एच का कोई यूज ही नहीं व्हेन, बराबर। हॉनेस्ट, एच का कोई यूज नहीं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट ओ एन ई एस टी हॉनेस्ट, वंस नहीं बोलेंगे ऑनेस्ट बोलेंगे, तो एच का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये पहला है, उसके कारण से साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट रिदम, री दम आर वाई री दम, एच का कोई यूज नहीं। कोर, बराबर, तो क्वायर बोलते ना, क्वायर सॉरी क्वायर क्वायर को ईयर क्वायर, जो साथ में ग्रुप में गाते, तो एच का कोई यूज नहीं। को ईयर आयर क्वायर, बराबर। तो ये एच का रूल्स था। रूल्स से वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एच अगर डब्ल्यू के बाद है तभी साइलेंट है, बराबर। और एच वर्ड में पहले है तभी भी साइलेंट है। और एच सी जी आर उसके बाद है तो भी साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 28, के साइलेंट। के का तो बहुत सिंपल रूल्स है, के कम्स बिफोर एन, अगर एन के पहले कभी भी के आए तो साइलेंट ही होता है। ओके, इट मस्ट बी फर्स्ट इन वर्ड, और रूल्स भी ये है क्या, और के फर्स्ट होना चाहिए कोई भी जो वर्ड्स में, अगर एन से पहले तो क्या आ गया कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड में वो पहले आगे दिखना चाहिए तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इसके पहले है और वर्ड में देख लो, तो एन के भी पहले, तो ये हो गया नी घुटना, बराबर। के का कोई यूज़ नहीं है, इसको किनी नहीं बोलते, नी बोलते, बराबर। के साइलेंट है। कनाइफ नहीं, नाइफ चक्कू, बच्चे जब सीखते हैं इंग्लिश तो क्या बोलते हैं, कनाइफ मोस्ट ऑफ द, बराबर, क्योंकि वो लर्न कर उनको मालूम नहीं है। ओके, तो देखिए एन आई एफ नाइफ, बराबर, क्योंकि के साइलेंट पहले था और एन के पहले भी था और नेक्स्ट पहला वर्ड में भी पहला था उसकी बात से। नेक्स्ट दैट इज 29th साइलेंट एल के बारे में, अगर आफ्टर ए ओ एंड यू साउंड, ये सब साउंड होने वाले शब्द में, बराबर, कौन शब्द अ ओ यू, ये सब साउंड के बाद अगर एल आएगा तो एल साइलेंट है। देखो आफ अह आ हुआ कि नहीं हुआ, इसमें आ का उच्चारण आफ आफ, बराबर। फोक हो फोक डांस बोलते हैं ना वो वाला। काम आह का इम काम। शुड शुड एल का कोई यूज़ नहीं है। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स, आगे भी देखिए और भी वीडियो बाकी है, लाइक करना मत भूलिएगा।